हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर ऑफ यूनिट नंबर 4 डीसी मशीन्स। ठीक है, अब देखिए सिंक्रोनस मोटर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। तो सिंक्रोनस मोटर इज अ टाइप ऑफ अ मोटर विच रन्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और सिंक्रोनस स्पीड का एक्सप्रेशन एनएस से रिप्रेजेंट कराया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 120 एफ अपॉन पी, जहाँ पे एफ हो गया क्या फ्रीक्वेंसी, पी हो गया हमारी नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर के जितना आपके कोर्स में है जो हम सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड है वो सब मैंने इसमें कवर कर दिया है, तो एकदम अटेंटिव हो जाइएगा, इसको सुनिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट्स के बारे में। तो दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर हमारी स्टेशनरी यूनिट होती है, रोटर हमारी रोटेटिंग यूनिट होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जैसे कि पहली है साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर एंड नॉन साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये आप ऐड कर लीजिएगा टाइप सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, बाकी जो मेन पार्ट्स हैं वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये डायग्राम है, अब जरा डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर हम वर्किंग पे चलेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो उसके लिए आप देखिए फिगर पहले समझते हैं, ये फिगर है, फिगर में ये जो बाहर की वाइंडिंग है ये जो हमारी ये है, ये हमारा स्टेटर यूनिट है, इससे थ्री फेज फ्लक्स से कनेक्टेड है, थ्री फेज सप्लाई इसके पास आ रही है। ये हमारी रोटेटिंग यूनिट है जो मैंने नॉर्थ साउथ बना रखा है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा थोड़ी देर में। अभी इसको ये मान लीजिए ये जो है हमारी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है हमारा रोटेटिंग यूनिट है, ये रोटर है, और ये हमारा किसी भी डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, जो ये करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये आ रहा है करंट, ये करंट इस डायरेक्शन में आया, फिर ये इस तरीके से जाएगा, ये डीसी सप्लाई है। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल को, तो बहुत अटेंटिव होकर सुनिएगा, और अगर इन केस ये पेपर में आता है तो आप देखिए इनसे नोट्स बनाइए जितना मैंने लिख रखा है, और इसको वैसे का वैसे ही आप लिख सकते हैं पेपर में, क्योंकि आपको मेन है वर्किंग समझ में आना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के साथ। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर में पहला पॉइंट है कि स्टेटर कैरी द थ्री फेज वाइंडिंग। देखिए स्टेटर जो है उससे थ्री फेज सप्लाई कनेक्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं थ्री फेज वाइंडिंग को भी कनेक्ट करेगा, जैसे कि ये थ्री फेज सप्लाई है तो स्टेटर थ्री फेज वाइंडिंग्स को कैरी कर रहा है, इस कनेक्टेड टू थ्री फेज सप्लाई, और इस स्टेटर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया थ्री फेज सप्लाई, इज कनेक्टेड टू थ्री फेज सप्लाई। नाउ रोटर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, वो मैंने आपको बता दिया कि रोटर जो है वो डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। वी रिक्वायर द टू सोर्सेज फॉर दिस मशीन, हमें इस मशीन के लिए दो सोर्सेज चाहिए होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं दो सप्लाई चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो एक सप्लाई तो थ्री फेज सप्लाई है और एक सप्लाई डीसी सप्लाई है, तो दो सप्लाई हमें चाहिए, तो इसलिए सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल एक्साइटेड मशीन। क्या बोला जाता है इसे, बोला जाता है डबल एक्साइटेड, मतलब ऐसी मशीन जिसमें दो सोर्सेस चाहिए होते हैं उसे हम बोलते हैं डबल एक्साइटेड मशीन। इसके बाद आते हैं स्टेटर के ऊपर, तो इतना सब आपको लिख देना है, जब आप इतना लिख देंगे, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, तो ये तो हम समझा रहे हैं आपको कि उसमें हो क्या रहा है, तो एक तरीके से इसे आप कंस्ट्रक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन दैट अ सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो वर्किंग प्रिंसिपल सिंक्रोनस मोटर का क्या है, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है कैसे क्या होता है उसके अंदर, तो वो वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो स्टेटर थ्री फेज फ्लक्स प्रोड्यूसेस द रिजल्टेंट रोटिंग। तो स्टेटर से जो थ्री फेज फ्लक्स है, स्टेटर के साथ जो लिंक होता है थ्री फेज फ्लक्स, वो प्रोड्यूस होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो रोटेट करता है एनएस स्पीड से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटर जो है वो थ्री फेज फ्लक्स के साथ लिंक होकर रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो स्टेटर है हमारा, स्टेटर हमारा थ्री फेज सप्लाई है, इसके पास अब ये थ्री फेज सप्लाई को थ्री फेज फ्लक्स जो है इसके साथ ये लिंक हो जा रहा है, जैसे ये थ्री फेज फ्लक्स लिंक हो रहा है इसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इससे जो हमारा रोटर है, जो हमारी पूरी मशीन है, मतलब जो रोटर रोटेटिंग यूनिट है, वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है, और रोटर किससे कनेक्टेड है डीसी सप्लाई से, जो कांस्टेंट रोटर पोल बना लेता है। मतलब हुआ क्या है पूरी इस जो पॉइंट में है वो ये हुआ है कि स्टेटर थ्री फेज फ्लक्स को लिंक करता है, थ्री फेज सप्लाई आ रही है तो इससे फ्लक्स भी कुछ लिंक होगा स्टेटर के साथ, तो स्टेटर लिंक्स द थ्री फेज फ्लक्स प्रोड्यूसेस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो रोटेट करती है सिंक्रोनस स्पीड से। अब क्या होता है कि हमारा जो देखिए इसके बाद हमारा मैं कि जैसे ही हमारा मतलब इतना हो गया, इसके बाद क्या होता है कि जब वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, अब हम बताते हैं रोटर के बारे में। तो रोटर में क्या होता है, देखिए रोटर में हमारा सबसे पहले तो कि रोटर इज कनेक्टेड विद डीसी सप्लाई, सो इट प्रोड्यूस द कांस्टेंट रोटर पोल। मतलब हुआ क्या कि मान लीजिए ये रोटर है, तो रोटर में नॉर्थ और साउथ पोल ये प्रोड्यूस हो जा रहे हैं रोटर की वजह, रोटर से जो डीसी सप्लाई कनेक्टेड है, तो डीसी सप्लाई के कारण रोटर में भी दो पोलरिटी डेवलप हो जाती हैं जो होती है नॉर्थ और साउथ। तो ये हमने इसे समझाया। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। देखिए फोर्थ पॉइंट में लिखा है नंबर ऑफ स्टेटर पोल जो होंगे वो नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर होते हैं, स्टेटर पोल्स पोलरिटी क्रिएटेड अलॉन्ग द रोटेटिंग। तो मैंने भी आपको बताया स्टेटर थ्री फेज फ्लक्स जो है वो एक रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये रह पा रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेटर के जो पोल्स होते हैं वो भी अपनी पोलरिटी किसके अलॉन्ग क्रिएट कर लेते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग वो भी आ जाते हैं जो रोटेट करते हैं सिंक्रोनस स्पीड से। वही उसका और एक्सप्लेनेशन हो गया थर्ड वाले पॉइंट का,
हैंस स्टेटर पोल्स पोलैरिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्टेटर की पोल्स की जो पोलैरिटी है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ बदल रही है, ठीक है। तो ये है इस पॉइंट में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि व्हेन द पोलैरिटी ऑफ रोटर एंड स्टेटर पोल आर सेम, जब पोलैरिटी रोटर की और स्टेटर पोल की सेम हो जाती है। भाई सीधी सी बात है कि एक बार रोटर भी अपनी कुछ पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, रोटर अपनी पोलैरिटी कैसे डेवलप कर रहा है वो डीसी सप्लाई की वजह से डेवलप कर रहा था, और स्टेटर कैसे डेवलप कर रहा था, स्टेटर अपनी पोलैरिटी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो जब पोलैरिटी ऑफ रोटर एंड स्टेटर पोल आर सेम देन आ रिपल्सिव फोर्स, जब दोनों सेम हो जाएंगे पोलैरिटी में, नॉर्थ नॉर्थ पोल होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है उनके ऊपर। सो रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट ऑन रोटर कंडक्टर एंड व्हेन दे आर विद द अपोजिट पोलैरिटी देन अट्रैक्टिव फोर्स विल एक्ट ऑन द सेम रोटर कंडक्टर बट द पोलैरिटी ऑफ स्टेटर। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी जो पोलैरिटी होती है स्टेटर की तो वो चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द रोटर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अभी हमने देखा कि उसमें जो हमारी स्टेटर की फील्ड है, स्टेटर की जो पोल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने पिछले पेज पे एक्सप्लेन करा। अकॉर्डिंग टू द रोटर मैग्नेटिक हैंस आर रेगुलर अट्रैक्शन, इसी तरीके से एक रेगुलर अट्रैक्शन रेगुलर रिपल्शन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी अपोजिट पोलैरिटी आएंगी, कभी सेम पोलैरिटी आएंगी। तो इस तरीके से स्टेटर और रोटर में एक अपोजिट अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों तरह होता रहेगा, और वो भी किस ड्यूरेशन के लिए होगा, फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जब ये सब चीज़ें बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होती हैं, मतलब ये वही बात हो गई, आपको एक चीज़ दे दी गई फिर छीन ली गई, फिर दे दी गई फिर छीन ली गई, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। हैंस ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से जो रोटर है वो ना किसी भी डायरेक्शन रोटेट नहीं करेगा। हैंस स्टार्टिंग टॉर्क सिंक्रोनस मोटर का जीरो होता है, और जब स्टार्टिंग टॉर्क ही जीरो हो गया मतलब मशीन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, उसे कुछ लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फैन होता है तो फैन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। फैन में हमने कैपेसिटर लगाया होता है जो उसको एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फैन हमारा रोटेट करता है, ठीक है। तो अब हमने वो देखा था दिस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, दैट मीन्स द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के, ये भी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आते हैं, ठीक है, पेपर्स में। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। पहला पॉइंट है वी प्रोवाइड द रोटेशन टू द रोटर, हम रोटर को रोटेशन प्रोवाइड करते हैं यूजिंग द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के हेल्प से हम रोटर को रोटेट करते हैं। ये रोटर है, मान लीजिए ये रोटर है और इस रोटर को हमने रोटेट करा इस तरीके से, कैसे, एक प्राइम मूवर लगा के एंड रोटेट इट विद सिंक्रोनस स्पीड। हमेशा ध्यान रखिएगा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कराते हैं, जो बराबर होती है स्टेटर फील्ड स्पीड के। व्हेन रोटर एंड स्टेटर पोल सिंक्रोनाइज टू ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं मतलब एक दूसरे से चलने लगते हैं, तब अपोजिट पोल्स विल बी मैग्नेटिकली लॉक्ड, अपोजिट पोल्स मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं और रोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट विद द सेम स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और रोटर जो है वो हमारा सेम स्पीड जैसे कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी के साथ रोटेट करना चालू कर देता है, ठीक है। मैग्नेटिकली जब लॉक हो जाती है, मतलब आपको ध्यान रखे रखना है कि जैसे ही हमने क्या करा, जब हमने मतलब कनेक्ट करा था प्राइम मूवर को तो उससे वो रोटेट करा सिंक्रोनस स्पीड से, रोटेट करा सिंक्रोनस स्पीड से, तो रोटर और स्टेटर पोल सिंक्रोनाइज हो गए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हुए, जिसकी वजह से अपोजिट पोल्स मैग्नेटिकली लॉक हो गए और रोटर जो है वो सेम स्पीड से चलने लगा जैसे कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी। और उसके बाद हम फिर इसमें प्राइम मूवर हटा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वे होता है हमारा इसमें बाय कनेक्टिंग अ डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर पोल, तो हम जो रोटर है हमारा रोटर कंडक्टर्स होते हैं उन पर हम डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, तो व्हेन द स्टेटर फील्ड कट द डैम्पर कंडक्टर, तो जब डैम्पर कंडक्टर को स्टेटर की फील्ड काटेगी तो सीधी सी बात है उसके अक्रॉस कुछ टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, वो स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा जो उस मशीन को चलाने का काम करेगा। तो सिमिलरली वो जो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो चल जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक तरीके से स्टार्टिंग मेथड हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए एप्लीकेशंस इसकी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो है वो मेन है। सबसे पहला है फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। अब पावर फैक्टर करेक्शन के लिए अगर आपने पढ़ा हो सेकंड यूनिट में, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बेस थे। तो पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट कैसे करते थे, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक फेज एडवांसर एंड बाय कनेक्टिंग द पैरेलल स्टैटिक कैपेसिटर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिंक्रोनस कंडेंसर लगा रहे थे, लेकिन बात तो हम सिंक्रोनस मोटर की कर रहे हैं। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर भी सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है। तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि द सिंक्रोनस कंडेंसर इज अ सिंक्रोनस मोटर विच वर्क एट नो लोड विद अ लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर इज अ सिंक्रोनस मोटर विच वर्क एट द नो लोड विद लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको लिख के आ जाना है इनकेस अगर आता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है तब, ठीक है। और बाकी तो ये है कि एप्लीकेशन से इसकी पावर फैक्टर करेक्शन यूज़ होता है। कॉन्स्टेंट स्पीड, जनरली हमारा ये जो है मशीन जो है सिंक्रोनस मशीन, ये हमारी तब यूज़ होती है जब हमें कॉन्स्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कॉन्स्टेंट स्पीड लोड ड्राइव में यूज़ होती है, फैंस में यूज़ होता है और ब्लोअर्स में यूज़ होता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो बस ये सब था जो हमें इसमें आपको बताना था, जो सिंक्रोनस मोटर का पूरा पार्ट है वो कवर हो गया यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा इसमें हमने बड़ी भी नहीं करी है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।